मारुति सुजुकी ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि आज कार बायर जब भी गाड़ी खरीदने जाता है तो पहली चीज जो वो देखता है वो होती है एक्सटीरियर लुक्स। एस्प्रेसो के साथ में एक्सटीरियर लुक्स जो है वो एक काफ़ी पोलराइजिंग चीज़ हो गई है। कई लोगों ने जब फर्स्ट जो मेरी वीडियो आई थी एस्प्रेसो पे उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था एस्प्रेसो को उसके लुक्स के लिए, लेकिन कल जब मैं जोधपुर से खिमसर और आज खिमसर से वापस जोधपुर गाड़ी को चला रहा हूँ तब काफ़ी लोगों ने रुक रुक के गाड़ी के बारे में देखा है, उसको कॉम्प्लीमेंट दिए, उन्हें पसंद आई है गाड़ी। तो ये चीज़ साबित करती है कि लुक्स जो है वो एस्प्रेसो के काफ़ी पोलराइजिंग है। अब लेकिन एस्प्रेसो के बारे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएगी, मुझे पसंद आएगी, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी है जो आप और हमें पसंद नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज किस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एस्प्रेसो की, और मैं बताने वाला हूं आपको कि इन दो दिनों में मुझे क्या चीज़ें पसंद आई है और क्या चीज़ें पसंद नहीं आई है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से, और ये दो बटन आप जो देख पा रहे हैं चाबी में, ये है अनलॉक और लॉक के बटन। जब भी आप लॉक या अनलॉक करेंगे तो आपको हेजार्ड लैम्प जो है वो ब्लिप कर देंगे, मतलब एक दो बार जो है वो ब्लिप करेंगे, उससे इंडिकेट होता है कि भैया गाड़ी लॉक हो गई है, अनलॉक हो गई है। उसके बाद में आगे की तरफ आप देखेंगे तो यही वो ग्रिल वगैरह जो है ये है जो पोलराइजिंग हो रही है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, काफ़ी लोगों को नहीं आ रही। आप कह सकते हो काफ़ी जगह से इंस्पायर्ड है, या आप कह सकते हो मारुति से इंस्पायर्ड है या महिंद्र से भी इंस्पायर्ड है, बट जो भी है लोगों को शायद इतनी तवज्जो यहाँ से नहीं मिल रही है अनलेस गाड़ी जो है बेकार लगने लग जाए। कई लोगों को सही लग रही है तो उनको जो है मैटर नहीं करती है कहाँ से क्या इंस्पायर्ड है। हाँ, यहाँ पे जो है स्क्वायरिश हेडलैम्प जो है वो मुझे डेफिनेटली अच्छे लगने लगे हैं, स्क्वायरिश हेडलैम्प है, और ये जो आप देखो है अगेन स्क्वायर शेप में दिए गए हैं, थोड़ा सा रेक्टेंगल कह सकते हो आप, नॉट स्क्वायर। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं ये इंडिकेटर्स हैं, ये हेडलैम्प है फ्रंट हाई बीम और लो बीम दोनों, और ये जो है आपके पास में क्रोम बना, ये क्रोम फिनिश, ये DRL और पीछे की तरफ ब्लैक फिनिश है। ये तीनों एसेसरी का पार्ट है जिनकी कॉस्ट 11,000 रुपये। तो आई गेस मोस्टली लोग जो इसे लेने वाले हैं वो एसेसरी के बिना ले लेंगे, और शायद ये आफ्टर मार्केट भी जो है काफ़ी एसेसरीज के मिलने लग जाए। एनीवेज वो तो आगे हम देखेंगे क्या है। बाकी कुछ ऐसी सी डिज़ाइन है जो चीज़ें जो फंक्शनल हैं उन चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। कुछ प्रैक्टिकल रूप में अगर देखें तो ये जो अप्रोच एंगल आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। कभी भी गाँव वाला जैसे रास्तों में आप जाते हैं तो वो काफ़ी चीज़ ये हेल्प करने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको दिख पा रही है यहाँ पर, मुझे लगता है क्लैडिंग अगर लगा दी जाती तो थोड़ा बेटर होता है, ये स्पेस भी जो है कवर करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती, लेकिन ये थोड़ा सा भी थोड़ा ऑड लगता है मेरे ख्याल से। 14 इंचेस के टायर हैं, मुझे टायर से कोई शिकायत नहीं है, बट क्योंकि गाड़ी जो है वो उसमें जो स्पेस ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको टायर छोटे लगे, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। प्रोफाइल वगैरह सब बढ़िया, टायर का 165/70R14 ये टायर है। डिपार्चर एंगल भी काफ़ी अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस 180mm की है, उससे भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है। हालांकि जब गाड़ी में 3-4 बंदे बैठते हैं तो थोड़ा सा ये स्पेस जो है कम हो जाता है। ये सी शेप के आप टेल लैम्प देख रहे हैं, ये रात में जलते हुए काफ़ी सुंदर लगते हैं। हालांकि इसमें हेलोजन बल्ब भी है, लेकिन ये यूँ थोड़ा सा LED जैसा सा इफेक्ट जो है वो बनाता है। ये अंदर पीछे इंडिकेटर्स, और ये पार्किंग के लिए जो है आपके पास में रिवर्स करेंगे तब ये लाइट जल जाएगी, रिवर्स लाइट है। ये है आपके पास में रिवर्स पार्किंग सेंसर। हालांकि कोई भी कैमरा जो है वो आपको एस्प्रेसो में नहीं मिलता है, किसी भी तरीके की वेरिएंट बैजिंग भी नहीं है। अगर आपको बूट खोलना है तो आपको वो अंदर से कैबिन से या फिर चाबी से खोलना पड़ेगा, कोई ऐसा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर या ऐसा कोई बटन वगैरह टाइप भी नहीं है आपके पास में। ये जो फ्यूल टैंक की कैब आप देख पा रहे हैं ये लीड करती है 27 लीटर्स के फ्यूल टैंक पे, मेरे ख्याल से सेगमेंट में सबसे छोटा फ्यूल टैंक इसका है। और फ्यूल टैंक के साथ में मुझे एक और चीज़ याद आती है जो रेनो क्विड से मेरे को याद काफ़ी आती है, वो ये है कि मैं टेस्ट कर लेता हूँ, मैंने खुद ने अभी तक नहीं देखा है। इसका ऑयल सम्प जो है वो मेटल का है, जबकि रेनो क्विड जो है उसका ऑयल सम्प जो है वो प्लास्टिक का आता है, वो एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। यहाँ पे मेटल है, हालांकि क्विड में भी कभी इसे शिकायत नहीं आई उससे रिलेटेड, बट फिर भी एक दिमाग में डर सा बैठा रहता है कि प्लास्टिक का ऑयल सम दिया गया है। क्विड जो है उसके मुकाबले काफ़ी हल्की भी है, ये शायद क्विड से 50-60 किलो भारी है, क्विड जो है हल्की इसके मुकाबले। तो चलते हैं अंदर, बाकी चीज़ें बाहर जो है उसमें कुछ भी ऐसे फंक्शनल चीज़ या प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है जो बताई जाए, अंदर चलते हैं सीधा और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। वैसे तो अपनी फर्स्ट लुक वीडियो जो थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ, फिर भी मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाड़ी हम चालू कर लेते हैं। गाड़ी चालू करने के बाद में एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि 3 सिलेंडर का इंजन है और ये वाइब्रेशन है इसमें। बिलो 2000 RPM तो डेफिनेटली इसमें हल्की फुल्की वाइब्रेशन आती है, इसमें नो डाउट, कोई भी इसको नहीं कह सकता कि वाइब्रेशन इसमें नहीं है, 3 सिलेंडर की इंजन नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपको ये डिज़ाइन जो है ग्रो कर जाएगी आप पे, और इंटीरियर जो अजीब से दिखने वाला डिज़ाइन है आपको ज़्यादा टाइम तक सताएगी नहीं, अनलेस आपके पास में कोई और गाड़ी भी है तो उस सिचुएशन में आप जो है बार बार सोचते रहेंगे कि कौन सी गाड़ी जो है ये ज़्यादा बेटर लग रही है, वो ज़्यादा बेटर लग रही है, ऐसी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि हमारी आदत है, हमने मोस्टली यहीं देखे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह, इवन क्विड में भी जो है यहीं आते हैं। क्विड में हालांकि आपको ये यहाँ वाला सेटअप जो है ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है, मतलब यही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन अब उसमें रेनो ड्राइवर वाला सिस्टम आ चुका है तो उसमें टैकोमीटर वगैरह शायद मिल जाए, यहाँ पे टैकोमीटर आपको नहीं देखने को मिलता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी सारी ट्रिप्स रिलेटेड सेटिंग्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ट्रिप भी यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस माइलेज, यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है वो लास्ट रीसेट करने के बाद से यहाँ पे इसको ये थोड़ी कम आप काउंट कीजिए क्योंकि गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी थी, हम लोग शूट कर रहे थे इसको तो एसी वगैरह चालू थे। उसके बाद में ये रेंज जो है वो यहाँ दिखा रहा है आपको, ये ओवरऑल ऑडोमीटर, उसके बाद में ये ट्रिप ए, ये साइड में आप जो देख पा रहे हैं ये फ्यूल दिखा रहा है कि कितना बचा है, क्या चीज़ है फ्यूल के बारे में। उसके बाद में ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये डिजिटल स्पीडोमीटर आपके पास में यहाँ देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद में साइड में कुछ वार्निंग लाइट्स है जो कि मैं आपको अगर बंद करके दिखाऊं तो आप बेटर देख पाएंगे, ये वार्निंग लाइट वगैरह इसमें सारी की सारी है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये टच स्क्रीन है, इसके बारे में एक चीज़, दो चीज़ इनफैक्ट नेगेटिव है। पहला तो ये ग्लॉसी है तो काफ़ी रिफ्लेक्शन आता है, दूसरा जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और कभी अचानक से आपको वॉल्यूम डाउन करनी है तो आपके पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आपके पास यहाँ टच करने होगा या यहाँ से करना होगा आपको। हाँ आप ये म्यूट बटन दबा सकते हो लेकिन कई बार जो जो नॉब होती है ना वो कन्वीनियंट होती है तो आप ऐसे पकड़ के उसे सीधा डाउन कर दिया, वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई भी बटन इनफैक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपको टच ही करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है ड्राइविंग के वक्त। उसके बाद में इस तरफ जो है सेटअप में ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है, आपके पास में ORVM जो है वो मैनुअली यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, ये AC आपको जो है उसका ब्लो यहाँ से होता है, साइड का भी मिडिल का यहाँ से होता है, ये आपके पास में बटन्स खाली है। यहाँ पे ये DRL जो आप देख पा रहे हैं एसेसरी है, अगर आप एसेसरी नहीं होगी तो यहाँ पे कोई भी बटन नहीं होगा। ये छोटा सा कमी हॉल और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली, ये एक हेडलाइट लेवलर है और हेडलाइट लेवलर यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक आपने देखे होंगे बट ये हेडलाइट लेवलर जो है ये मैकेनिकल है, यानी कि ये डायरेक्टली एक तार से कनेक्टेड है तो ये फील आती है इसको चलाते हो तो, और एकदम से जैसे ही आप करते हो ना हेडलाइट ये ऊपर नीचे हो जाती है, वो एक सही चीज़ लगती है। मेरे ख्याल से मैकेनिकल, मुझे नहीं लगा था, मैं इमेजिन ही नहीं कर पाया था कभी ये मैकेनिकल हो सकता है, लेकिन ये है मैकेनिकल और बुरा नहीं लगता है, वो अच्छी चीज़ इसके बारे में। ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं ये आपको बूट खोलना हो सामने वाला तो उसके लिए है, हुड खोलना हो सामने वाला तो उसके लिए है, बाकी नीचे जो है स्पेस है ये भी काफ़ी डिसेंट है आपके पाँव वाँव रखने के लिए, जितना भी एक्सेलेटर क्लच और एक्सेलेटर ब्रेक और क्लच ABC उसके लिए भी कोई डेड पिलो वगैरह जैसी चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करें तो बेटर है। स्टीयरिंग जो है वो हाइट एडजस्ट नहीं है, सीट भी हाइट एडजस्ट नहीं है, हालांकि सीट की पोजीशन काफ़ी ऊंची है लेकिन सीट जो है थोड़ी छोटी लगती है, यहाँ तक आनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। उसके बाद में यहाँ जो बटन्स दिए गए हैं ये कंट्रोल करते हैं आपके इस तरफ दिए गए ये यूनिट को। उसके बाद में ये जो है आपके कॉल उठाना काटना और वॉइस कमांड देना, वॉइस कमांड जो है वो आप तभी देख पाएंगे जब स्मार्टफोन कनेक्टेड है। अभी एक एप्पल ये एंड्रॉइड ऑटो से स्मार्ट प्लग कनेक्टेड है तो मैं अगर मैं सर्च करूं व्हाट इज प्राइस ऑफ मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, नॉट श्योर हाउ टू हेल्प विद व्हाट इज प्राइस ऑफ मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। अभी गूगल इतना स्मार्ट नहीं हुआ है, उसको पता ही नहीं चला है कि क्या मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की प्राइस क्या है। एनीवेज यहाँ पे जो है आपको ये विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, क्विड में भी इसी जगह देखने को मिलते हैं। क्विड की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको ये जो स्टीयरिंग व्हील है क्विड में ये लेदर वाला आपको मिल जाता है और साथ ही में आपको क्विड में जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले पाता है, वो भी यहाँ पे आपको एस्प्रेसो में नहीं देखने को मिलेगा। क्विड में जो है आपको यही सिमिलर AC वगैरह जो है मैनुअल आपको देखने को मिलता है और ये AC जो है यहाँ पे ब्लोअर किस तरह मोड जो है वो दिया गया है, यहाँ पे ब्लोअर की स्पीड, यहाँ पे AC का इंटेंसिटी मतलब कितना ठंडा कितना गर्म, उसके बाद में ये AC ऑन करना है ऑफ करना है वो आपके पास में, सी सर्कुलेशन के लिए ये है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे है, 120 वॉट आप देख सकते हैं, USB और ऑक्स यहाँ है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ है जहाँ पे अभी एक मोबाइल फ़ोन और एक वॉलेट पड़ा है, हालांकि ये वॉलेट जो है इसको आप इजीली यहाँ भी रख सकते हैं, टोल वगैरह की रिसिप्ट वगैरह भी यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद में ये दो बॉटल होल्डर है या एस्प्रेसो होल्डर्स आपके पास में यहाँ पे है, एक गियर नॉब है, गियर जो है उसका थोड़ा सा लंबा शिफ्ट आ कह सकते हो, ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि थोड़ा ऊंचा है तो उस वजह से जो है आपका ये शिफ्ट थोड़ा बढ़ जाता है। इस स्पेस को डेफिनेटली मारुति यूटिलाइज कर सकती थी लेकिन खैर अभी कुछ भी हाज यूटिलाइज नहीं किया गया है। क्विड में यहाँ पे ये स्पेस पहले आता था, अब नहीं आता है क्योंकि उसमें ड्यूअल एयरबैग आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एस्प्रेसो में ये स्पेस आपको देखने को मिलता है डिस्पाइट ड्यूअल एयरबैग। और ये थोड़ा सा आपके पास में यहाँ पे एक और स्पेस जो है वो आपको मिलेगा जिसमें अभी एक बनाना, एक GoPro, एक साफ़ करने के लिए कपड़ा और कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आप देख सकते हैं। तो इतना स्पेस में है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे एक लीटर की बॉटल होल्डर है और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इवन आप कॉइन्स वगैरह कुछ चाहें तो वो रख सकते हैं। क्वालिटी जितनी भी मेटल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है इस्तेमाल की गई है, नो डाउट सॉफ्ट टच वगैरह वो नहीं है तो मैं आप एक्सपेक्ट ना करें 7-8 लाख रुपए वाली कार जैसी क्वालिटी तो, बट जो प्राइस रेंज में ये गाड़ी है मुझे कोई शिकायत इस गाड़ी से क्वालिटी के मामले में नहीं है।
एक और चीज़ जो कि मारुति के लिए उतनी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ वो ये कि फिट एंड फिनिश जो है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये जो बटन्स वगैरह हैं, इनके फीडबैक हुए, चाहे ये टेक्टाइल फीडबैक हुए इनका, वो काफ़ी अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कोई काम के मुझे नहीं लगते। आई डोंट नो इनको बड़ा क्यों नहीं दिया गया। आपको देखो ये कोई भी काम का जो है खास नहीं लग पाता है। ये थोड़ा सा इसके बारे में एक पुअर चीज़ है। यहाँ पर आपके पास में जो है ज़्यादा बटन नहीं है, सिर्फ एक ही लाइट है। इनफैक्ट पूरे कैबिन में जो है एक ही लाइट है, पीछे भी कोई लाइट आपको देखने को नहीं मिलती है। तो वो थोड़ा सा इसके बारे में नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लूटूथ माइक आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं ये आपको शिफ्ट बताती है, मतलब आपके पास टच स्क्रीन अवेलेबल है बट आपके पास में रियर में पावर विंडोज अवेलेबल नहीं है, ऊपर में ज़्यादा सनग्लास होल्डर वगैरह ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ये बड़ा नहीं है। तो ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट में लोग जो है ज़्यादा तवज्जो किसे देते हैं। हम लोग आजकल ये टच स्क्रीन वगैरह को ज़्यादा तवज्जो देने लग गए हैं। उसके बाद में गाड़ी में फ्रंट में ये सब चीज़ें हैं। स्पीकर्स अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक सिस्टम की, तो पहले तो देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये जो है आप में इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और एक मारुति का ही सुजुकी स्टूडियो करके कुछ अवेलेबल है, वो भी एक अच्छी चीज़ है जिसमें। लेकिन आपको तीनों में ही जो है मोबाइल कनेक्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप नेविगेशन वगैरह बिना मोबाइल कनेक्ट के चलाएं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसमें जो कनेक्टिविटी मिलती है प्लस इसके स्पीकर्स एक्चुअल में काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि इसके स्विफ्ट या इग्निस से भी बेटर स्पीकर्स जो है वो मुझे इसकी साउंड क्वालिटी लग रही है। हो सकता है ये छोटी है इसलिए मुझे बेटर लग रही हो और सारा सेटअप जो है वो स्विफ्ट वाला ही हो, वही वाली चीज़ इस्तेमाल की गई हो। उसके बाद में मैं आपको क्विकली पीछे चलता हूँ और वहाँ पे थोड़ा सीट कंफर्ट वगैरह की मैं बात कर लेता हूँ। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो डोर्स वगैरह हैं इनकी क्वालिटी, मतलब शीट मेटल की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि इसमें जो छोटे मोटे डेंट्स जो है ना यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। हमने बलेनो में देखे हैं उसमें छोटे 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 डेंट्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। वो मुझे लगता है इस शायद इस गेज में ना आए, थोड़ी सी बेटर गेज जो है ये लग रही है। हालांकि उतनी भी ज़्यादा कोई सॉलिड क्वालिटी वगैरह नहीं है। मारुति का ये कहना है कि उन्होंने हाई टेंसाइल स्टील का इस्तेमाल किया, लेकिन वो फ्रेम में ही है। जो नीचे आप फ्रेम देख पा रहे हैं उसमें यूं रन करती है और आगे की तरफ यहाँ पर जो उस फ्रेम में ही हाई टेंसाइल स्टील है, बाकी नॉर्मल स्टील जो है वो इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी का वेट हालांकि क्विड से ज़्यादा है। अब ये सीट ऑल द वे पीछे पुश की गई है, पूरी की पूरी पीछे पुश की गई है। फिर भी एक 5 फुट 8 इंच का बंदा जाना कि मैं जो बैठ पा रहा है यहाँ पे। अगर मैं अपनी हाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट करता हूँ, जो कि ये वाली सीट जो है ये 6 फुट के हिसाब से है, मेरी हाइट नहीं है पर 6 फुट है, अगर मैं बैठूँ तो भी कंफर्टेबली आगे बैठ पाता हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कितना स्पेस है। यहाँ इतना स्पेस है जो कि एक्चुअल में काफ़ी अच्छा स्पेस है इसका। इसमें एक एसेसरी या सीट भी आती है, आई डोंट नो वो सीट कितनी मोटी है उसके बाद में कितना स्पेस बचता है, लेकिन एसेसराइज जो है सीट भी आती है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये है। और उसमें जो है डोर्स पे कुछ पैडिंग भी आती है, तो उसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए, बट सीट काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ इसमें नीचे काफ़ी स्पेस है, ये जो आप देख पा रहे हैं कोई छोटा मोटा बैग रख सकते हैं। हालांकि बेटर होता अगर ये जो आप देख पा रहे हैं ये बाहर प्रोट्रूड कर रहा है, इसको थोड़ा सा अंदर घुसाया जाता तो यहाँ पे जो है एक बंदा एक बहुत ही आराम से यूँ नीचे पांव स्ट्रेच अंदर घुसा सकता था, जैसे अभी पांव गए हैं। तो अभी जो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ा सा टच होता है, लेकिन स्पेस जो है उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ स्पेस की कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी में 3 बंदे बैठ जाए। 3 बंदे गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन 2 बंदे प्रॉब्ली 5 फुट 8 इंच 9-10 इंच के और उसके साथ में एक छोटा सा बीच में बच्चा है जो आराम से गाड़ी में बैठ पाएगा। ये स्पेस इतना जो है इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा स्पेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस गाड़ी में कि बहुत ही ज़्यादा स्पेस, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे फ्लोर हम भी जो है इतना बड़ा नहीं है, बाकी आसपास चीज़ें क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं कराती है। ये जो है काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया है, कोई भी ऐसी परेशानी मुझे नहीं हो रही है। हालांकि जो रेनो क्विड है उसमें यहाँ पे आपके पास में एक आर्म रेस्ट मिल जाती है, बॉटल होल्डर वगैरह उसमें मिल जाते हैं और साथ ही में उसमें पीछे की तरफ जो है पावर विंडोज़ होते हैं, इसकी तरह ये वाली विंडोज़ नहीं है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट रेनो क्विड यहाँ पे रखती है जो कि इसके पास नहीं है। पीछे बॉटल होल्डर्स भी नहीं है, सिर्फ आपके पास में ये स्पेस अवेलेबल है, उसके अलावा कोई भी बॉटल होल्डर वगैरह पीछे नहीं है, कोई भी रीडिंग लैम्प वगैरह वो भी चीज़ नहीं है। बट एक चीज़ माननी पड़ेगी, गाड़ी स्पेस उसके दरवाजे जिस तरफ खुलते हैं जिस तरीके से काफ़ी स्पेशियस फील होते हैं, वो चीज़ें जो है उस मामलों में एस्प्रेसो काफ़ी बेहतरीन आपको लगने वाली है। अगर आप टेस्ट ड्राइव वगैरह करेंगे तो आप इन चीज़ों के बारे में प्रेज करेंगे। इसका इंजन जो है वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा अगर आप टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो उसकी बात अभी मैं करता हूँ। पहले मैं आपको बूट दिखा देता हूँ। 270 लीटर्स का ये बूट यहाँ पे आपको एस्प्रेसो में देखने को मिलता है और 270 लीटर्स के हिसाब से ये बूट जो है वो क्विड से छोटा है, बट काफ़ी ठीक है, डिसेंट है, डीप है। इसके बारे में नेगेटिव पॉइंट भी कहा जा सकता है क्योंकि सामान उठाने वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो ओपनिंग या जिस तरीके से बूट को एक्सेस करना है वो उसमें आप थोड़ा सा नेगेटिव काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई खास नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट आपकी जो सीट्स हैं ये भी अगर आप यहाँ से और यहाँ से पुल करते हैं तो उसके बाद में आप गिरा सकते हैं नीचे।
ये जो है काफ़ी स्पेस आपके लिए क्रिएट कर देती है। बाकी मतलब मेरे ख्याल से ये बूट स्पेस जो है डिसेंट है, ये पार्सल ट्रे देगी। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे आप जो है फिट एंड फिनिश और क्वालिटी की शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये यूँ निकल जा रही थी, ये निकल जा रही थी ईजिली, तो वो उन चीज़ों में आप शिकायत कर सकते हैं। बट फिर आपको प्राइस पॉइंट भी जो है गाड़ी का देखना होता है, उस हिसाब से चीज़ें जो है काफ़ी सही लगती है। पीछे कोई भी वॉशर या वाइपर या रियर डिफॉगर वगैरह जैसी चीज़ नहीं है। एटलीस्ट रियर डिफॉगर मेरे ख्याल से दिया जा सकता था, हालांकि गाड़ी में ABS EBD वगैरह जो है वो दिए जाते हैं, और अब जो नए सेफ्टी नॉर्म्स आ रहे हैं उसमें भी ये उसमें भी मीट करेगी ही, जो कि कंपलसरी ही हो गया है ऑलमोस्ट। एक चीज़ और, ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ ये एंटीना जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखो। बाकी बाकी जो चीज़ें हैं वो ड्राइविंग सीट से चल के हम बात करते हैं कि कैसी लग रही है। ओके, तो चलिए ड्राइव करते हैं एस्प्रेसो मैनुअल 1 लीटर, और ड्राइविंग सीट से मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ क्या एक्सपीरियंस जो है मुझे हो रहा है। सबसे पहली चीज़, ये सीट आप जो है हाइट एडजस्टेबल नहीं है, और ये स्टीयरिंग जो है ये भी एडजस्टेबल नहीं है, ना ही टिल्ट ना ही टेलीस्कोपिक किसी भी तरीके से। बट ये काफ़ी ऊंची है फॉर माय हाइट जो कि 5'8" है, तो अगर आप 5'8" से बड़े हैं या आपकी हाइट जो है मान लो 6 फुट के आसपास है, तब तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा बड़े होने पर हो सकता है आप काफ़ी ऊंचा अपने आप को फील करो, जैसे अभी यहाँ आप फील करो अपने आप को, तो वो एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बाकी मेरे ख्याल से छोटे जो राइडर्स हैं जिनकी हाइट 5'6" 5'5" है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो विजिबिलिटी जो है उससे हम लिंक करके अभी बात करें, तो ओवरऑल विजिबिलिटी कमाल की है। ये ORVM जो है इसकी भी विजिबिलिटी अच्छी है, IRVM जो है वो उसकी भी विजिबिलिटी अच्छी है, हालांकि वो मैंने वहाँ पे कुछ रख रखा है, वो विजन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, और वो उधर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है उस ORVM से भी विजिबिलिटी अच्छी है। गाड़ी छोटी है थोड़ी सी, आई गेस क्विड जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो आपने देखा छोटी होने का एक जो है वो चीज़ के मैं वहाँ जाके इसको एडजस्ट कर पा रहा था ईजिली, तो गाड़ी थोड़ी छोटी आप उसे अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन विजिबिलिटी में कहीं कोई शिकायत नहीं है, आप इजीली सबको देखते हैं। जिन लोगों को बोनट देखने की आदत है तो डेफिनेटली बोनट दिखता है जी यहां पे, कोई शिकायत आपको जो है नहीं होगी, बोनट जिनको चाहिए दिखना। अगर बात करें गाड़ी के परफॉर्मेंस की, इंजन परफॉर्मेंस की, तो उसकी सबसे पहले चीज़ में अगर मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये गियर, ये इंजन जो है लो RPM पे थोड़ा वाइब्रेशन जो है वो अंदर भेजता है कैबिन में। थोड़ा सा हायर RPM पे चल जाओ, मतलब आप 2200 या 2400 RPM अगर आप क्रॉस करो, हालांकि यहाँ पे कोई टैकोमीटर नहीं लगा हुआ है फिर भी मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, तो वो क्रॉस करने के बाद कोई भी वाइब्रेशन जो है गाड़ी में नहीं आती है। जैसे कि अभी मान लो मैं जो है थर्ड गियर में हूँ, और सॉरी फिफ्थ गियर में हूँ और 60 पे हूँ, लेकिन अगर मैं यहीं फोर्थ में होता तो अब कोई वाइब्रेशन जो है कैबिन के अंदर नहीं है। थोड़ा सा साउंड जरूर है लेकिन वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं लो स्पीड पे होता और मतलब हायर गियर में होता तो ज़रूर वाइब्रेशन कैबिन में आते हैं। और इस चीज़ का मतलब ये भी है कि गाड़ी जब आप पिक करोगे तब भी हल्के फुल्के वाइब्रेशन जो है अगर रहेंगे, अगर आप सही गियर में नहीं हो तो। मैं हालांकि ये गाड़ी सेकेंड गियर में भी पिक कर लेती है, इस इंजन में जो है लो एंड टॉक काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप क्विड से कंपेयर करेंगे तो क्विड और ये दोनों 1 लीटर की पावर और टॉक फिगर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ये ज़्यादा बेटर आपको फील होगी डिस्पाइट बीइंग हैवियर, थोड़ी सी भारी है ये, लेकिन आपको ज़्यादा बेटर फील होगी चलाने में। उसका रीज़न ये है कि इसका लो एंड टॉक जो है थोड़ा बेटर है, और शायद अगर आप चलाएंगे दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड तो आप फील कर पाएंगे। क्विड थोड़ी सी हल्की है तो उसको एडवांटेज मिल जाता है नो डाउट, बट इसका टॉक बेटर होने की वजह से जो है वो चीज़ें बेटर हो जाती है। और इसको एडवांटेज जो मिलता है वो मिलता है हाईवेज पे, इवन 120-100 की स्पीड पे भी आप चलाओगे ना तो भी ये स्टेबल चलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेस टू थर्ड गियर में मैं डालता हूँ और आप देखेंगे काफ़ी आवाज़ आती है कैबिन में, बट इंजन का पुल बहुत अच्छा है, और 3 जने बैठा के भी मैंने जो है इस पर 000 स्पीड की है, अकेला बैठ के मैं अभी कर रहा हूँ, तो लेट्स सी 100 110 120, मतलब गाड़ी एकदम स्टेबल है, किसी भी तरीके कोई परेशानी नहीं है। वार्निंग चिम आ गई 120 वाली जो हर 2 सेकंड में बजती है, और ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो अच्छा मौका है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है। ओ तो ब्रेकिंग का सीन भैया ऐसा है कि आप मतलब बेटर है कि आप जो है इन टायर्स पे ज़्यादा भरोसा ना करें। देखो टायर्स पतले हैं,
ब्रेकिंग अच्छी है, बट क्योंकि पतले टायर से इतनी ज़्यादा ग्रिप पकड़ जो है सड़क से नहीं रखते हैं, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस लंबी होने वाली है। तो ज़्यादा मतलब तेज़ गाड़ी को ना चलाएं अगर आपके पास में ज़्यादा ब्रेकिंग डिस्टेंस नहीं है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है। बड़े टायर्स आप लगवा सकते हैं, टायर अपसाइज आप करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपसाइज नहीं करा सकते, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों पर चीज़ें लूज़ करते हैं, मतलब अभी जैसे कि फ्यूल इफिशियंसी आप लूज़ करते हैं, थोड़ा सा आपको गाड़ी चलाने में इनिशियल जो पिकअप है उसमें भी पता चलने लग जाएगा कि कुछ फर्क आ गया है। तो सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन देखो, गाड़ी जो है उसके सस्पेंशन सॉफ्ट रखे गए हैं, बट इतने भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। रीज़न ये है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखने का, क्योंकि गाड़ी जो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और अगर आप सस्पेंशन सॉफ्ट रख देते हैं तो उस सिनेरियो में गाड़ी का बॉडी रोल ज़्यादा हो जाता है। हालांकि इसका वैसे भी बॉडी रोल ज़्यादा है, ये देखो, तो बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा है, बट इतना ज़्यादा ना हो कि आपको जो है कॉन्फिडेंस लूज़ कर दें। तो उसके लिए सस्पेंशन जो है थोड़े से हार्ड स्टिफ रखे जाते हैं, और इसके भी सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हैं, और लेकिन वो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये जो शार्प बम्पर्स होते हैं, शार्प बम्प्स होते हैं या गड्ढे होते हैं, उन पे चलाओगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। बाकी मेरे ख्याल से कहीं पे भी आपको सस्पेंशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्या गाड़ी दबती है तीन चार बंदे बैठने पर? जी हाँ, गाड़ी जो है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी आप देखोगे कम हो जाएगी तीन चार बंदे जब बैठे हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा सस्पेंशन जो है उनका वो रिड्यूस हो जाता है, हाइट जो है गाड़ी की ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है, तो वो भी चीज़ होती है यहाँ पे। बट मेरे ख्याल से सस्पेंशन जो है उनकी सेटिंग ठीक है, गाड़ी का जो टायर उसकी प्रोफाइल बड़ी है तो उससे और मदद मिलती है ख़राब रास्तों पे चलने के लिए, तो इसमें कोई शिकायत जो है सस्पेंशन वाले पार्ट में नहीं है। उसके बाद में अगर बात करें स्टीयरिंग फीडबैक की, तो स्टीयरिंग फीडबैक जो है एक इस प्राइस सेगमेंट की कार्स के हिसाब से मतलब काफ़ी सही है। हालांकि अगर आप टाटा टियागो से अगर इसे कंपेयर कर दें तो टियागो का थोड़ा बेटर आपको जो है स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह मिलेगा। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि टायर विड्थ, इसका स्टीयरिंग फीडबैक जो है अच्छा है। हालांकि ये बीच वाला जो पार्ट है यहाँ को छोड़ दो, बाकी जो है आपको मतलब अच्छा फीडबैक मिलेगा, लेकिन जो टायर अगर चौड़े होते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर जो है स्टीयरिंग रिटर्न हो जाता है अपनी सेंटर पोजिशन पर, और थोड़ा सा वो जो सिटी वगैरह में जो है ओवरऑल चलाने का स्टीयरिंग का जो मज़ा है वो बढ़ जाता है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलने वाली है आपको, क्योंकि टायर जो है इतने ज़्यादा चौड़े नहीं है, और गाड़ी की प्राइस पॉइंट और गाड़ी का सेगमेंट भी आपको देखना पड़ेगा जब आप इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि रेनो क्विड वगैरह इन सब के सिमिलर है, थोड़ा सा बेटर ही मैं कह दूंगा, ईऑन से तो काफ़ी बेटर है, क्विड के मामले में थोड़ा सा क्विड से बेटर मैं इसको कह सकता हूँ स्टीयरिंग के मामले में। फिर बात आती है गाड़ी की ड्राइविंग पोजीशन वगैरह से, अभी यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स वगैरह इन सब चीज़ों को काउंट अगर हम करें तो एक चीज़ सबसे पहले मैं काउंट करना चाहूँगा कि अगर आप गाड़ी थोड़ा क्लोज बैठते हैं, मतलब इस सीट के थोड़ा नज़दीक बैठते हैं, दूर नहीं बैठते हैं, तो ये जो पार्ट है ये आपके टच होने वाला है, ये एक ऐसी चीज़ है जो माइंड आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो नीचे जो एरिया दिया गया है वहाँ पे डेड पेडल वगैरह कुछ भी नहीं है, बट स्पेस जो है काफ़ी ठीक है, आपको जो है किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है क्लच ब्रेक वगैरह कुछ ऑपरेट करने में। इवन अगर आप 6 फुट के हैं तो ऐसी कुछ खास परेशानी आपको नहीं होने वाली है। सीट जो है वो इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, उसका थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा कम है, तो वो आपको ज़रूर फील हो जाएगा कि थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन सीट क्योंकि काफ़ी ऊंची है तो आप वो कंपनसेट कर लेते हैं, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ये भी नहीं कहना चाहिए एक्चुअली थाई सपोर्ट, बस ये कह सकते हैं कि सीट जो है वो लंबी नहीं है, थोड़ा सा छोटी आपको पड़ेगी, और खासतौर से अगर आपकी हाइट 5'8" से ज़्यादा है, 5'9" 5'10" से ज़्यादा है, तो आपको डेफिनेटली फील होगा कि सीट थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती तो बेटर होता। ओवरऑल उतनी बड़ी सीट नहीं है, तो अगर आप आपकी वेट काफ़ी ज़्यादा है, आपका हाइट वाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक आपको जो है ये नहीं लेके आपको अपग्रेड करनी चाहिए। बेटर है आप इग्निस ले सकते हैं, आप स्विफ्ट ले सकते हैं, तो वो थोड़े से ज़्यादा बेटर ऑप्शंस जो है वो हो जाते हैं। इनफैक्ट जो वैगनार आती है अभी नई वाली, वो भी इन मामलों में थोड़ी से ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाती है। हालांकि हेडरूम वगैरह सब बेटर है, 6 फुट के आदमी को कोई परेशानी नहीं होने वाली हेड स्पेस वगैरह में, बाकी सारे बटन्स जो हैं वो आपकी रीच में हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है कोई बटन वगैरह। एक शिकायत मैं यहाँ पे करना चाहूँगा जो मैं ऑलरेडी आपको हाईलाइट कर चुका हूँ कि किसी भी तरीके का नॉब नहीं दिया गया है वॉल्यूम कम करने के लिए, तो या तो आप सीधा म्यूट दबाएं या आप जो है धीरे 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 इन बटन्स की मदद से नीचे धीरे 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 कम करते जाएं। आई नो कि जो लोअर वेरियंट्स आएंगे उनमें यहाँ पे आपके पास में मिल जाएगा कोई ना कोई बटन जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये टच स्क्रीन उनमें नहीं होगी, तो वहाँ ज़रूर आपको कोई नॉब वगैरह मिल जाएगा एकदम से वॉल्यूम कम करनी है तो चीज़। बाकी एक चीज़ जो है इस गाड़ी के बारे में सभी लोग एग्री करेंगे वो है इसका एसी परफॉर्मेंस।
बेहतरीन कूलिंग जो है वो ये एसी देता है। आई डोंट नो कैसे ये हो पाता है एक एक लीटर के इंजन में, बट एसी बहुत ही अच्छी कूलिंग देता है। हो सकता है गाड़ी अंदर से छोटी हो या जो भी रीज़न रहा हो, या इतनी ज़्यादा गर्मी में हमने नहीं चलाई हो, लेकिन एसी जो है काफ़ी इंप्रेसिव इसका रहा है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। इनफैक्ट इस गाड़ी से साइड बाई साइड हम इनोवा में बैठे थे, जिसका एसी ऑलरेडी बहुत अच्छा लगता है, उसके मुकाबले भी इसका एसी जो है एकदम सही उसके लेवल का लग रहा था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से इसमें है। एसी काफ़ी अच्छा है इसका। गियरबॉक्स और क्लच वगैरह की बात करें तो क्लच लाइट है, कोई शिकायत नहीं करेगा उसके बारे में भी। गियर्स के शिफ्ट जो है वो उतने ज़्यादा स्मूथ में नहीं कहूँगा, उनमें एक बीच में ऐसा इफेक्ट है जब आप जो है ना थोड़ा सा स्मूथ, एकदम बटर स्मूथ में शिफ्ट नहीं होते हैं, ना ही उनका शिफ्ट जो है छोटा है, थोड़ा सा लंबा है ट्रैवल गियर शिफ्ट का। जैसे अगर आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा ट्रैवल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बट ऐसी ऐसी कोई शिकायत वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन है तो ओवर द टाइम भी क्लच हार्ड हो जाए या गियर हार्ड हो जाए ऐसी भी कोई ज़्यादा समस्या जो है वो नहीं आने वाली है। वाइपर वगैरह की थ्रो की बात कर लेते हैं, जब तक ये ट्रक जो है आराम से धीरे धीरे ओवरटेक करे तब तक ये तीन एक ही वाइपर जो वॉशर है उससे तीन लेयर्स निकलती है और डिसेंट थ्रो है, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से वाइपर ब्लेड्स हैं, तो बस ये चीज़ें हैं इसके बारे में, एक बार ये आप देख लीजिए। और बाकी ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी खलती है वो ये कि ये इतना ही आता है यार, ये कोई काम का नहीं है। अगर आपके साइड में धूप आ रही है तो देखो ये कोई काम का नहीं, इनफैक्ट इसके डबल एरिया जो है वो खाली रहता है क्योंकि काफ़ी चौड़ा है, तो इसको एक्सटेंड करना या कुछ तो दिया जा सकता था, बट बजट सेगमेंट की गाड़ियों में इतनी ज़्यादा हम कमी नहीं निकाल सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अभी ड्राइव करते हैं AMT को और एस्पेसो का AMT कैसा है उनकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अभी ये AMT जो है उसमें कोई भी पावर फिगर्स वगैरह का बदलाव नहीं है, जो एज इट इज़ इंजन है वही यहाँ पे दिया गया है, बस एक मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन जो है वो लगा दिया गया है। तो कैसा ये काम करता है उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखो AMT यूनिट जो है इस पर्टिकुलर गाड़ी की वो मेरे ख्याल से स्मूदेस्ट AMT यूनिट काउंट कर ली जाएगी इस सेगमेंट में। अब मैं अगर बात करूं तो मैं सेंट्रो से इसको कंपेयर कर सकता हूं और फिर मैं कंपेयर कर सकता हूं इसको क्यूड AMT जो है दो वो आता है क्यूड का नाम कुछ ईजी आर करके ऐसा कुछ नाम आता है, लेकिन इन दो से मैं कंपेयर इसको कर सकता हूं। और डेफिनेटली ये जो AMT यूनिट है ये थोड़ी सी बेटर जो है उनसे लगती है। अब वो ट्यूनिंग का ही मामला है कि ये थोड़ी सी बेटर लगती है, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि गियर शिफ्ट एकदम स्मूथ हो रहे हैं या फिर कोई DCT या ऐसा कुछ फील आ रहा है, गियर शिफ्ट फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। गियर शिफ्ट प्रॉपरली आपको फील होते हैं, इनफैक्ट अगर आप लो स्पीड देखेंगे बिलो 40 देखेंगे तो आपको गियर शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली फील होने वाले इस गाड़ी में, लेकिन उसके बाद की जो गियर शिफ्ट है और ओवरटेक वगैरह में जो डाउन शिफ्ट है उसमें कोई फीलिंग नहीं आती। जैसे देखो अभी फिफ्थ गियर में है और मैं अगर टैप करता हूँ 3, 2, 1 ये मैंने टैप किया और तुरंत वो थर्ड गियर में आ गया, डाउनशिफ्ट बहुत जल्दी है, हालांकि गौ माता भी आ गई है। अब जो गियर शिफ्ट हुआ, अब देखो ये फोर्थ से फिफ्थ वाला हुआ, इसमें इतना कुछ खास पता नहीं चल रहा है कि कब गियर शिफ्ट हो रहा है। हाँ पूरा एक्सेलेरेटर पेडल पे हार्ड रहेंगे तो जो गियर शिफ्ट होने वाला है उसमें पता चलेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल ओवरटेक करने के बाद या नॉर्मल सिटी स्पीड में गियर पिक कर रहे हैं 40 के बाद में तो आपको गियर शिफ्ट जो है वो बस मालूम भर चलेगा कि हाँ मालूम हुआ है। जो पास में पैसेंजर बैठा है उसको पता नहीं चलेगा कि गियर बदला गया है, तो वो एक अच्छी चीज़ इस AMT यूनिट के बारे में है, कुछ खास ऐसा जो है अलग फील नहीं हो रहा है। AMT वगैरह की जो ब्रेकिंग वगैरह बाकी सब चीज़ें हैं वो सब सेम ही है, उसमें कोई किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। ये एक चीज़ लोगों को रहता है क्या पहाड़ी वगैरह पे चढ़ पाएगी ये गाड़ी AMT के साथ में, तो वहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है हैंड ब्रेक जो है उसको पुल करके फिर गाड़ी को जो है आपको रेव करना होता है तो गाड़ी जो है उससे ऊपर चढ़ जाती है। हालांकि गाड़ी में क्रीप मोड जो है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो मैं देख लेता हूँ क्रीप मोड दिया गया है या नहीं दिया गया है। अभी मैं गाड़ी को साइड में खड़ा करता हूँ और ये देखो हल्का क्रीप मोड दिया गया, गाड़ी जो है धीरे धीरे गाड़ी जो है चलने लग जाती है। तो क्रीप मोड वगैरह जो है गाड़ी में दिया गया, लेकिन अगर आपको पहाड़ पे गाड़ी को चढ़ाना है तो उस सिचुएशन में जो है आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भैया गाड़ी जो है उसमें हैंड ब्रेक जो है वो लगा हुआ है और उसके बाद ही जो है आप गाड़ी को चढ़ा सकते हैं। बट मुझे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुई, गाड़ी जो AMT यूनिट से रिलेटेड कोई शिकायत ऐसा मुझे नहीं हुई। हाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है अगर आप बार बार ब्रेक वगैरह करते हो तो कन्फ्यूजिंग शायद हो जाएगा इसके लिए फास्ट स्पीड पे, लेकिन सिटी वगैरह में कोई ऐसी खास परेशानी नहीं होनी। और ये AMT जो है वो इक्वल माइलेज दे रहा है, मैं काफ़ी देर से चला रहा हूँ इसको हाईवे पे, लगभग हमने चलाया है मान लो आप 70% हाईवे 30% सिटी, थोड़ा सा रेव कर रहा हूँ कभी कभी स्लो कभी हाईवे, मतलब स्पीड वेरी कर रही है 50 से लेके लगभग 120 के आसपास तक, और उसमें माइलेज जो है वो 21.1 का निकाल रहा है, तो वो 21.9 का माइलेज जो है वो दिखा रहा है। अगर मान लो इसको हम 21 भी मान लेते हैं तो काफ़ी डिसेंट माइलेज जो है उस गाड़ी का है।
एक और चीज़ आप लोगों को ये रहता है कि कितनी जल्दी AMD जो है कितना फास्ट है, मतलब मैनुअल में तो आप फास्ट कर सकते हो, तो अभी हम जो है 53 पे चल रहे हैं और इसको सबको ओवरटेक करता हूँ मैं निकलूँगा। मैंने स्लो डाउन किया और बिलीव मी, तीन जने बैठाने के बाद भी परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं आया गाड़ी के। ये देखो ये 100 पे गाड़ी चढ़ गई है इजीली, अब फिफ्थ गियर में आई है, अभी भी गाड़ी जो है जा रही है, मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ ना और आगे जा रही है, तो गाड़ी की जो है परफॉर्मेंस भी अच्छी है। AMD के साथ में कोई ऐसी परेशानी ऐसा नहीं है इस सेगमेंट में, तो डेफिनेटली ये इंजन और ये AMD गियरबॉक्स जो है सबसे अच्छा ही माना जाएगा। अपने पावर फिगर्स ले लो आप इसकी, चाहे उसके वेट जो है वो गाड़ी का ज़्यादा है, क्विड के मुकाबले इस गाड़ी का वेट ज़्यादा है, बट फिर भी जो है फील नहीं ऐसा कुछ कि ज़्यादा वेट के कारण इंजन जो है, इवन अगर आपको रेव भी करना पड़े ना इंजन, तो वहाँ पे भी कोई हार्श आवाज़ जो है वो हार्श नहीं है, काफ़ी सही है इंजन की आवाज़ में। लेकिन इंजन की आवाज़ तो AMD में भी कैबिन के अंदर आती है, कोई फ़र्क नहीं है मैनुअल में, जैसे मैं बता रहा था वैसा ही है। आप मैनुअली भी जो है गियर सेलेक्ट कर सकते हैं प्लस माइनस, अगर आप इसको यहाँ सेट करेंगे तो। इवन ये गाड़ी AMT में सेकंड गियर में पिक कर लेती है तीन जनों को बैठा के, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव था मेरे लिए। एक और एस्प्रेसो। टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करें तो सही है टर्निंग रेडियस, 4.5 मीटर का टर्निंग रेडियस आई गेस, क्विड से कम है, क्विड का शायद 5 मीटर है टर्निंग रेडियस, इसका 4.5 है। माइलेज की अगर बात करें तो पूरी टेस्ट ड्राइव के दौरान में मारुति सुजुकी एस्प्रेसो जो है मैनुअल और AMT का माइलेज लगभग लगभग बराबर था, और मुझे हाईवेज पे 21 के लेके 22 के आसपास का माइलेज मिला, और शहरों में जब भी चलाया जाए, वो जोधपुर हो चाहे वो खेमसर के गाँव वहाँ के आसपास गलियाँ हों, वहाँ पर गाड़ी जो है 17 से लेके 18 का माइलेज फिगर दिखा रही थी। एक चीज़ एस्प्रेसो के लुक्स के बारे में जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि कुछ सर्टेन एंगल से गाड़ी जो है वो काफ़ी छोटी लगने लग जाती है, और रीज़न ये है कि गाड़ी की ऊंचाई या शेप जिस हिसाब से दिया गया है वो उसे जो है थोड़ा सा छोटा बनाता है। हालांकि जो मेनली कलर एस्प्रेसो का दिखाया गया था ऑरेंज, उसके अलावा बाकी कलर्स में एस्प्रेसो जो है थोड़ी सुंदर दिखती है। जो ऑरेंज था उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म लोगों ने किया था। जो AMT यूनिट मैंने चलाया उसमें कुछ तो आवाज़ जो है वो फ्रंट बोनेट की तरफ से आ रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो हाइड्रोलिक्स की आवाज़ है, हालांकि मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पाया, तो जब भी एस्प्रेसो का प्रॉपर रिव्यू आएगा तब उस चीज़ को जो है मैं कवर कर लूँगा। तो ये सब कुछ था मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के बारे में। अभी एस्प्रेसो के बारे में अगर आपके कोई और सवाल है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और एक गेम हम खेलते हैं, आप गेस कीजिए कि कितनी यूनिट्स मारुति सुजुकी पर मंथ एस्प्रेसो की बेच पाएगी 2-3 महीने बाद में, मतलब फर्स्ट मंथ की बात नहीं कर रहे, सेकेंड मंथ बात नहीं कर रहे, इमेजिन जनवरी में कितनी यूनिट्स जो है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की बेच सकती है, गेस कीजिए नीचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।